नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। आज फिर से एक हैवी काओ और उसकी लगभग तीसरी जनरेशन की पीढ़ी, जो गाय के जनरेशन में फर्क आया है, जो ब्रीड में फर्क आया है, जो मिल्क लाइन में फर्क आया है, उसको कंपेयर करेंगे। और ये वीडियो सभी फार्मर्स के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता लगेगा कि जनरेशन गैप में कि गायों का किस तरह से तकरीबन आने वाली तीन जनरेशन में फर्क पड़ा है। क्योंकि पहले जो आज से तीन जनरेशन पहले गायें होती तो वो इस टाइप के अडर की गायें होती थी, जो कि मिल्क वेन आप देख लीजिए कि इतनी हैवी मिल्क वेन, इतना हैवी अडर। और बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर में भी बहुत खासियत थी कि तकरीबन 8 क्विंटल की गायें हैं तो दूसरे तीसरे वेतर में इतना बड़ा अडर कर लेती थी जिस गाय ने 50 लीटर दूध देना था। तो ये 30 लीटर पे ड्राई हुई गायें हैं, 30 लीटर पे इसका दूध सुखाया गया था और ये अभी रेडी है डिलीवरी के लिए। तकरीबन 50 से ऊपर ही जाने की इसकी कैपेसिटी है, बट गर्मी की वजह से ये है कि जितनी आप इसकी रख रखाव कर लेंगे उतना आप दूध ले लेंगे। दूध के बारे में हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि बस मेन बात ये होती है कि आप अपनी कितनी सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि ये गायें अगर ना संभालने वाले के पास चली जाए तो 20 लीटर भी दे सकती है, पर अगर जिस फार्मर ने संभाली है, और अगर आपको वीडियो शेयर करें दिखा दें कि कैसे फार्म में ये रही है, कैसा रख रखाव, खुली घूमती आई है, तो अगर वैसा रख रखाव आपका होगा तो 50 लीटर भी इसका कम नहीं है दूध। तो वो भी आपके सामने जजमेंट है कि काफ़ी हैवी गायें हैं। अभी आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि ये तो होगी जनरेशन की बात, अब यही टाइप की इसी की बछड़ी फर्स्ट जनरेशन जो अभी इससे तीसरी पीढ़ी आगे आ गई है, तो ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है फर्स्ट टाइमर। और बॉडी वेट आप देख लीजिए, पीछे खड़ी जो इतनी हैवी 50 लीटर वाली गायें हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये अगर फर्स्ट लैक्टेशन में इतनी हैवी वेट, हैवी स्ट्रक्चर और ब्रीड जो बॉडी वेट है वो निकाल रही है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकंड थर्ड लैक्टेशन में जाने पे इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा अडर शेप होगा। क्योंकि पीठ पुट्ठा तो दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे एक जैसा है, हाइट इसकी ज़्यादा है बछड़ी की, और अडर तो आपको भी पता है कि बछड़ी अभी 1 महीना लेगी तो अडर बनाना अभी शुरू करेगी। तो ये देख लीजिए जैसे इसके वाइटनेस है नीचे अडर के आसपास, तो इसके भी ऐसे ही अडर के आसपास, और आगे पैरों के बीच वाइटनेस है तो इसके भी आगे पैरों के बीच वाइटनेस है। तो काफ़ी अच्छे बॉडी वेट की दोनों ही गायें हैं, पर ये गायें टाइप है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये लैक्टेशन दे चुकी गायें हैं जो दूध में आगे चलेगी। पर अगर ब्रीड में आपको आगे जाना है तो ये बछड़ी है जो आपको 2, 3, 4, 5 लैक्टेशन ऐसे देगी जिसमें आपको घर पर इसको रख के इससे ब्रीडिंग करनी पड़ेगी अच्छी, और अच्छा रिजल्ट लेके तो बहुत अच्छा आगे ये रिस्पांस भी देगी बछड़ी की। बॉडी वेट बहुत अच्छी है, विथ बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है। तो ये बछड़ी आपको अगर परचेज करनी है तो ये सेल के लिए अवेलेबल है आज के टाइम में, और कोई भी फार्मर लेना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है। इसी टाइप की एक बछड़ी हमने पिछले महीने सेल आउट करी थी WWS 60 सीमन की, तो आप उससे भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि बछड़ी की कैसी बॉडी वेट लेंथ है। चल आगे दिखाना इसको, तो ये देखिए इसको एक बार इधर को चला के दिखाना, इधर को ले आओ। तो ये है बछड़ी की फेस क्वालिटी देख लो, और ये है उसका बॉडी वेट। अगर लेग स्कोर की बात की जाए तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसा लेग स्कोर है। ये देखिए बहुत ही शानदार बछड़ी है, क्योंकि खुली घूमती फार्म में से आती हैं तो ये रस्सी से बहुत हिचकिचाती हैं पहले। ये देखिए अंदर ही ले जाओ इसको, तो बहुत शानदार बछड़ी है। अगर किसी फार्मर ने परचेज करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सेल के लिए आज अवेलेबल है। बांध दो, यही बांध दो।